हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो आज का टॉपिक है वो है जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक मतलब क्या इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और नॉट। लेट्स फाइंड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। तो आपके पास एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट हो सकती है। मैं यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए मान रहा हूँ। हाँ, एक एक्स वाली टर्म भी प्रेजेंट होगी, उसके कोफिशियंट को मैं बी मान रहा हूँ, और एक कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट होगी। एंड दिस व्हेन इक्वेटेड टू जीरो, जब हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, वी कॉल दिस इक्वेजन एज क्वाड्रेटिक इक्वेजन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन गिवन है, आप कैसे चेक करोगे? लेट्स फाइंड इट आउट। एज यू कैन सी, मैंने यहां पर रेफरेंस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म इधर लिख दी है, ताकि अगर मुझे लास्ट में चेक करना हो कि ये इस फॉर्म को मैच करती है या नहीं करती, तो मैं इजिली कर पाऊँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, लेफ्ट साइड पर जब मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर, फिर x को करना पड़ेगा 1 से, तो आई गेट 1x। ठीक है, उसके बाद प्लस 8 था तो एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी x प्लस 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करी है मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। उसके बाद आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता चलेगा, सब कुछ ट्रांसपोज करने पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो रहा है कैंसिल आउट, बिकॉज जब ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में आएगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रिजल्ट्स इन जीरो। तो फाइनली यू हैव एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, और एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन जो मेरे पास बची है आपके इस एग्जाम्पल के लिए। नाउ इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो, ऊपर से ऐसा लग रहा था कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल रिजल्ट इन एक्स स्क्वायर, है ना, बट फाइनली जो आपने सिंप्लीफाई करा तो आपको पता चला एक्स स्क्वायर वाले टर्म प्रेजेंट नहीं है। आई कॉल इट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाले टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान देना, कभी भी किसी इक्वेशन को चेक करना हो, ये वाली टर्म मस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये दोनों टर्म्स एब्सेंट हो भी सकती हैं, बट दिस इज मस्ट। मतलब ए की वैल्यू जीरो कभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ए जीरो है। ए जीरो का मतलब क्या है कि भाई अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म एब्सेंट है। तो हेयर ए इज जीरो, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। आई विल प्रोवाइड यू विद सम एमसीक्यूज। आपको प्लीज मुझे रिवर्ट बैक करना है उन्हीं के आंसर्स के साथ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ वो डाउट साथ साथ ही ले लीजिएगा, बिकॉज अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिटेल्स पर स्टडी करेंगे इसके बाद। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके पास पॉलीनोमियल्स वाले भी अप्लाई होंगे, तो प्लीज़ रिकंसिडर करना पुराने वीडियोस को। इस प्रैक्टिस एंड आस्क इफ एनी डाउट्स। आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.